हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ सवालों को लेकर हाजिर हैं जो कि आपके कमेंट्स पर आधारित हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं, करियर के दृष्टिकोण से कमेंट्स किए गए हों, उनका जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं सवालों पर आऊँ, उनमें जो मुख्य मुख्य सवाल हैं उनकी एक झलकियाँ आपके सामने मैं रख देता हूँ। पहला जो सवाल है कि कई बच्चों ने कमेंट्स किया था कि TGT PGT हिंदी की तैयारी करने के लिए जो कम्बिनेशन होता है उसमें संस्कृत नहीं है तो क्या करें, इसको लेकर मैं बातचीत करूंगा। PhD को लेकर कि कैसे सिनॉप्सिस तैयार करें, PhD का इंटरव्यू कैसे होता है, और PhD की अनिवार्यता को लेकर कि क्या नेट रहेगा और PhD नहीं रहेगी तो हम आगे विश्वविद्यालयों में या फिर हायर एजुकेशन में जा सकते हैं कि नहीं, उस पर मैं बातचीत करूँगा। और चैनल की जो उद्देश्य है या उपयोगिता है उसको लेकर कि हमारे चैनल से बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट और UGPG में पढ़ाई कर रहे हैं, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो वो कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि जो मैटर अपलोड किया जा रहा है वो मेरे काम का है कि नहीं है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला जुला कर जो आज का लेक्चर है ये आप सभी को डेडिकेटेड है। पहली बात तो ये है कि मैं दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस चैनल पर जब मैं आया था, इस प्लेटफॉर्म को चुना था, तो हमारी जो शुरुआत हुई थी काफ़ी धीमी हुई थी, लेकिन आज संख्या बढ़कर 10,000 से ऊपर हो चुकी है। तो ये जो कुछ हुआ है आप सभी की सक्रियता से, आप सभी के प्यार से, आप सभी के दिल लगी से ही संभव हुआ है, और धीरे धीरे ये परिवार बढ़ता जा रहा है। तो 10,000 पूरे होने पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कई हमारे सब्सक्राइबर जो शुरू से जुड़े हुए हैं और अभी भी कमेंट्स कर हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, और जितना मैं अपने चैनल को ग्रोथ होते हुए देखता हूँ उससे ज़्यादा हमसे जुड़ने वाले लोग हैं। अभी कल ही एक सब्सक्राइबर ने, या मैं उसको छात्र बोल सकता हूँ, दोस्त बोल सकता हूँ, उन्होंने जैसे देखा कि 10,000 कंप्लीट हुआ है तुरंत उन्होंने कमेंट्स किया कि सर आपका 10,000 पूरा हो गया। तो ये बताता है कि आप लोग मुझसे कितनी तन्मयता के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मीयता के साथ जुड़े हुए हैं, इसको मैं शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं जो कुछ पढ़ाता हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। मेरी कोशिश रही है कि हिंदी साहित्य को परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में बताने की कोशिश करूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी मैंने परीक्षाएं दी, सफलता मिली असफलता मिली, सबको जोड़ कर मैं बताने की कोशिश करता हूँ और अपने अनुभव को अभिव्यक्त करता हूँ। अभिव्यक्त करने के बाद आप तक वो बहुत ही अच्छे से संप्रेषित होती है, वो बात आपको समझ में आती है, तो आप इस चैनल से जुड़ते चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसी का परिणाम है कि हम सब्सक्राइबर एक से, यानी कि पहले जब 2000 कंप्लीट हुआ था तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था और मैंने बताया था कि सबसे पहली जो सब्सक्राइबर थी वो मेरी वाइफ थी, इसके बाद उन्होंने अपने मित्रों में इसको भेजा, फिर मैं अपने मित्रों के पास भेजा कि मैंने एक चैनल बनाया है आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है। फिर धीरे धीरे इतने लोग जुड़ गए तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस तरह से एक संख्या ही तो है 10,000, इससे आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मेरी कोशिश है कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और आप लोगों की कोशिश है कि आप जिस लक्ष्य को निर्धारित कर मुझसे जुड़े हुए हैं उसमें सर्वाधिक अंक हासिल करें। तो आप लोगों का जो लक्ष्य है उसमें मैं अपनी 100% जो सहभागिता है, जो सहयोग है, उसको निभाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही साथ निभाते रहिए, इसके लिए मैं दोबारा से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जब मैं अपने चैनल का रिव्यू किया, इसको गंभीरता से देखा, तो इसमें मुझे कई एज ग्रुप के लोग दिखाई पड़े। वो एज ग्रुप को मैं अलग तरीके से देख रहा हूं, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं। जो एज ग्रुप है इसमें
13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनकी जो प्रतिशत है 1.8% है। यानी कि ऐसे बच्चे जो अभी शुरुआती कक्षाओं में हैं, 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं और कभी कभार उनको ये चैनल दिख गया तो एक बार क्लिक करके वो देख लिए, ठीक है। तो उसमें से जो परिपक्व बच्चे होंगे उनको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो वो इससे जुड़ गए हैं। 18 से 24 वर्ष की जो उम्र वाले लोग हैं उनका जो प्रतिशत है वो 21% है, यानी कि 21.2% है वो सारे लोग जुड़े हुए हैं 18 से 24। यानी कि ऐसी उम्र सीमा जो कि अब कंपटीशन परीक्षाओं की तरफ मूव कर रहे हैं, वो नेट का एग्ज़ाम भी देना शुरू किए हैं, वो प्रवक्ता के बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे तमाम प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी की जाए, तो वो जुड़ रहे हैं। अगला जो एज ग्रुप है 25 से लेकर 34 साल के बीच का, ये जो एज ग्रुप है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो 25 साल से लेकर 34 वर्ष वाला एज ग्रुप है इसमें मैं खुद अपने को शामिल कर रहा हूँ क्योंकि अभी 30 कंप्लीट हुआ है। तो हम आप लोगों से अपने को जोड़ कर देख रहे हैं कि ये ऐसा एज ग्रुप है जिसके ऊपर अब जिम्मेदारियाँ हैं कि कब तक पढ़ाई करेंगे, कब तक नौकरी मिलेगी। जो ये ग्रुप है इस पर सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक दबाव रहता है हमेशा। हो सकता है कि इस एज ग्रुप के लोग कहीं जॉब भी कर रहे हों कुछ प्रतिशत, लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे होंगे जो कि बेरोजगारी के दौर में तमाम चीज़ों को झेलते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उसमें पिछले 2 साल किस तरीके से वो व्यतीत किए होंगे ये केवल कल्पना की जा सकती है। तो 25 से लेकर 34 वर्ष की जो उम्र सीमा है उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ करियर के दृष्टिकोण से, कि मैं उनको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि अगर वो मुझसे जुड़े हुए हैं तो सफलता ज़रूर हासिल करें। इसीलिए जब भी मैं लेक्चर तैयार करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उन की पॉइंट्स को बताने की कोशिश करूँ, उन पॉइंट्स को बताने की कोशिश करूँ जो परीक्षा में बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, जिसको कि मैंने अनुभव किया और उस अनुभव के माध्यम से आप उसका लाभ उठाएं। तो इस तरीके के जो एज ग्रुप वाले हैं 25 से लेकर 34 के बीच में उनका जो प्रतिशत है वो 50% है। ये एक तरीके से चैनल के आधे हिस्सेदार हैं 25 से लेकर 34 वर्ष के बीच में। इसके बाद 35 से लेकर 44 वर्ष के उम्र वाले जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका जो प्रतिशत है वो 24% है, यानी कि लगभग 1/4 हिस्सा इनका है। और ये ऐसी उम्र है 35 से लेकर 44 के बीच कि अब इसमें से कितने लोग अभी नौकरी की खोज में हैं और कितने लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं और वो हायर एजुकेशन के तरफ जाना चाहते हैं, वो नेट निकालना चाहते हैं, वो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनना चाहते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस उम्र के लोग सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और मानसिक रूप से कैसे अपने को संतुलित करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं ये भी केवल कल्पना ही की जा सकती है। अगली जो उम्र सीमा है 45 से लेकर 54 वर्ष के लोग भी जुड़े हुए हैं जिनका प्रतिशत है 4%। तो ये या तो मेरे वीडियो को देख रहे हों तो उनको अच्छा लग रहा होगा, या फिर अपने घर में कोई उनके हिंदी से पढ़ाई कर रहा होगा तो कैसे हिंदी में करियर बनाए, उनको लग रहा होगा कि ये जो शिक्षक है ये थोड़ा सा ईमानदारी से बताने की कोशिश कर रहा है। और तमाम वीडियोज को देखने के बाद, तमाम परीक्षाओं के जो मैं अपना अनुभव बताता हूँ उससे लगता होगा कि ये ठीक जगह है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीज़ें थोड़ी अच्छी होती हैं या फिर उसमें जिसमें थोड़ा टाइम लगता है प्रचारित प्रसारित होने में, ठीक है। क्योंकि मेरा कुछ इस तरीके से बैकअप नहीं था कि मैं 10-15 दिन में ही 10,000 कंप्लीट कर लेता, धीरे धीरे। ये एक हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत पहले, मैं सब्सक्राइबर कर रहा हूँ बल्कि प्रतियोगी छात्र ने पहले ही बहुत पहले कमेंट्स किया था कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये सारे जो कमेंट्स हैं एक तरीके से प्रेरित करते रहे हैं, जिसके कारण मैं तमाम व्यस्तताओं के बाद भी आप लोगों से
जुड़ने की कोशिश करता रहा हूँ। और मेरा औसत अगर आप देखेंगे वीडियो अपलोड करने का, तो महीने में 90 से 95% है। जिस दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, किसी काम में व्यस्त रहता हूँ, तो थोड़ा सा परेशान टाइप का रहता हूँ कि आज मैंने अपने जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये कुछ आंकड़े थे जो कि उम्र के हिसाब से, जो मेरे लिए मेन उम्र सीमा है 25 से लेकर जो 44 के बीच में है, ठीक है। उसमें देखा जाए तो 35 से लेकर 44 के बीच में उनके लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कुछ गाइड करने की ज़रूरत है कि अगर सही मायने में अभी तक वो जॉब के लिए परेशान है या फिर जॉब की खोज में है, तो हो सकता है कि वो पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहे हों, बाद में उनको लगा हो कि अब TGT PGT को भी देखना चाहिए, नेट की भी तैयारी करनी चाहिए, हायर एजुकेशन में भी आप करियर बना सकते हैं, तो इसलिए अब ये मूव किए होंगे, ये भी कारण हो सकता है। या फिर सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रसार अभी तक बना हुआ है। तो चैनल का मैंने रिव्यू किया और देखा कि किस किस तरीके के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और जब भी अगला लेक्चर मैं बनाऊं तो उनको भी ध्यान रखूं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अगर मेल फीमेल की बात करें, महिला पुरुष मुझसे कितना जुड़े हुए हैं, तो कुछ दिन पहले मैं देखा तो महिलाएं जुड़ने में आगे थी, बाद में अब बढ़त बना ली हैं, पुरुष आगे चल रहे हैं इस समय 51.2% पुरुष इस समय जुड़े हुए हैं, और महिलाएं जो जुड़ी हैं 48.8%। तो अब जानते हैं कि ये समाज के दो पहिए हैं और इनका बराबर जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों का प्रतिशत बराबर चल रहा है, खुश हूँ जुड़ने की गति से। अगर सब्सक्राइब करने की औसत को देखें तो सब्सक्राइब में जुड़ने वालों की संख्या है, चैनल तो 100% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते हैं 58% लोग, और बाकी 42% लोग केवल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसका प्रतिशत बढ़ा दीजिए, जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं वो देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर लें, और बाकी धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा रिव्यू था चैनल का। अब मैं आ रहा हूँ मेन पॉइंट पे, जो कि आपके करियर से संबंधित है। कई बच्चे जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि किस तरह का सब्जेक्ट कम्बिनेशन वो लेंगे तो आगे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि फला विषय ले लेते हैं, आगे चलकर इससे तैयारी करेंगे, फिर बाद में अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो फिर वो एक विषय को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर सामान्य विषय है जिसमें कम्बिनेशन का उतना रोल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं, खासतौर से हिंदी की बात करें तो अगर आप यूपी से सम, तो यूपी में क्या है कि हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो संस्कृत पढ़ना एक तरीके से उसके साथ अनिवार्य सा प्रतीत होता है, अगर आप अपने करियर को सेफ जोन में ले चल रहे हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण लूँ, मुझे 12वीं तक अंग्रेजी विषय बहुत अच्छी लगती थी, उसमें मैं कॉन्फिडेंट होकर बहुत अच्छा नंबर भी पाता था, लेकिन जैसे ही BHU में एडमिशन हुआ तो मेरे पिताजी एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जब आप हिंदी ले रहे हैं तो संस्कृत ले लीजिए, ठीक है। तो फिर मैं अंग्रेजी को छोड़कर संस्कृत ले लिया, और ये कम्बिनेशन एक तरीके से परफेक्ट टीचर का ही कम्बिनेशन बना। एक वहीं से निर्धारित हो गया कि पहले अगर मुझे कोई जॉब मिलेगी तो टीचर का ही जॉब मिलेगी, ठीक है। तो जैसे मेरे पिताजी थे वो तो बता दिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो वो अपने मन के अनुसार विषय ले लेते हैं और मन लग जाता है। जैसे मान लीजिए हिंदी ले लिए, हिंदी के साथ अंग्रेजी ले लिए और कोई विषय ले लिए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि अगर आपको लेक्चरर बनना है और यूपी में ही नौकरी करना है तो आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, तो फिर परेशानी खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जो बच्चे
13 से 17 वाले उम्र के हैं वो ये ध्यान में रखें कि यूपी में नौकरी करना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो हिंदी के साथ संस्कृत जरूर ले लें। अच्छा, जो बच्चे कुछ अभी ग्रेजुएशन में ही हैं और वो भूलवश हिंदी के साथ संस्कृत नहीं लिए हैं, तो वो डिस्टेंस कोर्स से, चाहे इग्नू हो चाहे राजर्षि टंडन, उससे 2 साल का संस्कृत में डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से भी संस्कृत की डिग्री मिलती है, तो उसको लेकर वो काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, अब वो दुविधा में हैं कि हिंदी से वो पीजी कर रहे हैं, तो अगर प्रवक्ता के परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए संस्कृत जरूरी है, तो वो क्या करें? तो वो भी अपने एमए के साथ ही संपूर्णानंद, राजर्षि टंडन या इग्नू से संस्कृत में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, तब आप सेफ जोन में रहेंगे। ये केवल यूपी में काम करने के लिए है। यूपी में जो प्रवक्ता की परीक्षाएं होती हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके का फैक्ट यहाँ पर है कि हर जगह बीएड मांगता है। आप केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरेंगे, नवोदय में फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पर है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, बीएड किया है, सी टेट किया है, टेट किया है, तो आप इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या है कम्बिनेशन हिंदी के साथ कि आपका संस्कृत होना चाहिए, अगर टीजीटी बनना चाहते हैं तो बीएड होना चाहिए, बाकी पीजीटी में हिंदी के साथ संस्कृत और कंप्लीट होना चाहिए आपका पीजी। आप आराम से एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन हो गया तो आप प्रवक्ता बन गए। तो जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, वो यहीं पर फंसते हैं, तो अब उम्मीद है कि जिन्होंने विषय चुनाव में गलती कर दी होगी वो अब डिस्टेंस कोर्स से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस चक्कर में कई बच्चे ऐसे हैं जिनका साल दर साल बहुत खराब होता जा रहा है, कि वो हमेशा तनाव में रहते हैं कि संस्कृत से करें कि नहीं, हिंदी से आगे बढ़ाएं कि नहीं। कई बच्चे जो हैं कि पहले संस्कृत में उनका मन लगता था, बाद में उनका अचानक मन हिंदी की तरफ बढ़ गया, ठीक है, तो फिर उनके साथ भी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए कि केवल यूपी में अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो हिंदी के साथ संस्कृत है, बाकी अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहते हैं, नवोदय में जाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, इन सब सारी चीज़ों में, तो उतना ज़रूरी नहीं है कि हिंदी के साथ संस्कृत हो, बाकी आपको बीएड, टेट, सी टेट ये सब आप क्वालिफाई हो तो नौकरी आराम से मिल सकती है, तो ये एक ऑप्शन आप बना के चल सकते हैं। बाकी नहीं है संस्कृत तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से कम्बिनेशन आप बनाइए। जो बच्चे अभी नए हैं वो कम्बिनेशन को लेकर सतर्क रहें, खासतौर से अगर बीएचयू से पढ़ने जा रहे हैं या फिर जहाँ भी अपने आसपास के महाविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ अगर संस्कृत मिले तो पढ़ लेना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये चीज़ ये है। दूसरा प्रश्न बहुत बच्चों पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ये प्रवक्ता से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, पीएचडी, कई चीज़ों को इस चैनल पर शामिल किया गया है, और क्योंकि इसलिए शामिल किया गया है कि इन सारे चीज़ों में खुद मैंने करीब 10 से 15 साल खपाया है, इसमें व्यतीत किया है, तो इसीलिए मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ जो कि आपको या तो विश्वविद्यालय में पता चलती या फिर बहुत गंभीर आपको टीचर मिलते तो वो बताते। तो अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मेरा ये दायित्व तो बनता है कि आपको प्रवक्ता से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी कैसे करें, नेट कैसे क्वालिफाइड करें, इन सारी चीज़ों में सहयोग करना मेरा दायित्व तो है, मेरा कर्तव्य है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं मुख्य रूप से प्रवक्ता और नेट की तो तैयारी आप लोगों को करा ही रहा हूँ, मार्गदर्शन दे ही रहा हूँ। फिर इसमें अगर आप नेट पास कर लिए, जीआरएफ हो गए, तो आगे अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाह रहे हैं और पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करें? तो समय समय पर जो नोटिफिकेशन आता रहा है या फिर पीएचडी की सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, इस पर भी मैंने बातचीत किया है। अगर आप टॉपिक को लेकर क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि जिस टॉपिक पर मैं सोच रहा हूँ उस पर शोध हुआ है कि नहीं, रिसर्च हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने साइट बताया था कि जाकर आप देख सकते हैं, शोध गंगा को देख सकते हैं, और एक शोध संदर्भ नाम की पुस्तक आती है, कई खंडों में है, तो
तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। बाकी विश्वविद्यालयों का जो कैटलॉग है उसको भी आप खंगाल सकते हैं। इतने करने के बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है कि कैसे टॉपिक चुनाव करें, तो अभी ट्रेंड चला हुआ है कैसे टॉपिक चुनने का, कि हिंदी साहित्य में तमाम विमर्श चल रहे हैं, उन विमर्शों में खूब लेखन हो रहा है, तो आप चाहें तो दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श या फिर जेंडर से संबंधित जो भी विमर्श चल रहे हैं उनको लेकर एक टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी रुचि हो, किसी एक लेखक पर भी या फिर दो तीन रचनाओं को लेकर भी बना सकते हैं जो कि एक तरीके से सिमिलर हो। इसके बाद आप ये भी काम कर सकते हैं कि जैसे कि 20वीं शताब्दी में किसानों की स्थिति, 20वीं शताब्दी में दलितों की स्थिति, 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति, उन किसी भी रचना या रचनाकार की विषय वस्तु को देखकर जिसमें ये सब सारी चीज़ें मिल रही हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। या फिर 21वीं शताब्दी में ये जो शताब्दी चल रही है इसमें आदिवासियों की क्या स्थिति है या फिर दलितों की क्या स्थिति है साहित्य के अंतर्गत, ठीक है, स्त्रियों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। और भी लगातार आप जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ के रिसर्च स्कॉलरों के संपर्क में रहिए, एक दो आप तो ऐसे बनाइए ही कि जिससे कि आपको करंट में जानकारी मिल सके कि किस पर काम किया जा सकता है। मेरे अनुसार जो भी टॉपिक्स मुझे लगेगा उस पर मैं अलग से बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैंने हिंट दे दिया है कि किस तरीके से टॉपिक का निर्धारण होता है। कई बार आप टॉपिक ऐसे भी निर्धारित कर सकते हैं कि कोई रचनाकार है जिसको उपेक्षित कर दिया गया है, तमाम जैसे प्रेमचंद पे खूब काम हुआ है, निराला पर खूब काम हुआ है, कबीर पर खूब काम हुआ है, तुलसीदास पर भी खूब काम हुआ है, तो उस समय के कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिन पर नहीं काम हुआ है और कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक्स खोजिए हर कालखंड से जुड़ा हुआ, तो आराम से आप रिसर्च कर सकते हैं, प्रस्ताव कर सकते हैं, एक सिनॉप्सिस बना सकते हैं। कई बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे, उनको लग रहा है कि PhD प्रवेश परीक्षा तो दे दिया, इंटरव्यू में क्या किसी से जान पहचान बनाना पड़ेगा, अप्रोच बनाना पड़ेगा तभी होगा। देखिए क्या होता है कि जैसे आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वैरायटी वैरायटी के स्टूडेंट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो पूरा समय अपना टीचर्स के आसपास परिक्रमा लगाने में, व्यवहार बनाने में, व्यवहार कुशल होने की वजह से टीचर्स के एकदम नज़र में रहते हैं, लेकिन जब PhD का एंट्रेंस देते हैं तो पता चला कि वो रिटेन ही नहीं निकल पाए, तो फिर जब वो टीचर्स के पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुम रिटेन निकाल लिए होते तो इंटरव्यू तो हम लोग देख लिए होते। इस तरीके से भी कई बार संभावनाएं बनती हैं, तो वो बच्चा इंटरव्यू में आश्वस्त हो जाता है कि अब मुझे इंटरव्यू में तो मिल ही जाएगा नंबर, अब मुझे रिटेन निकालना। जब वो रिटेन निकाल लेता है और आपके साथ दोबारा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा लीड करेगा, उसकी जान पहचान है, तो जान पहचान वालों को थोड़ा सा PhD में लेने की कोशिश की जाती रही है, इस सच्चाई से कोई मुँह नहीं मोड़ सकता है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में तो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये सब चलता है एकेडमिक में, ये सब थोड़ा मोड़ा चलता है, या फिर आप रिटेन में खूब अच्छा नंबर लाइए, इंटरव्यू पे आप उतना उम्मीद मत कीजिए, खाली रिटेन में मेहनत करिए तो भी आपका चयन हो सकता है, ठीक है। तो दो तरीके की चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान में आप रखिए। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि क्या अब वो PhD नहीं करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, तो इसको लेकर नोटिफिकेशन कई बार जारी हुए हैं कि PhD अनिवार्य हो गई है, फिर मौका दिया गया कि 2 साल तक PhD फ्री रखा जाए, ठीक है, कोरोना की वजह से। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अभी नोटिफिकेशन इत्यादि के बारे में उतना नहीं सोचना है, आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, PG करना है तो अच्छे से PG कर लीजिए। नोटिफिकेशन इत्यादि का क्या होता है कि अभी वो नोटिफिकेशन आया, बाद में वो चेंज भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आ भी जाता है कि PhD अनिवार्य हो गई है, तो कुछ तो ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जिससे कि जो PhD करना चाहता है वो करे। अब ये आप मान के चलेंगे कि मैं PhD नहीं कर पाऊँगा तो पढ़ाई बीच में ही आप बाधित कर दे रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा।
तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, अच्छे नंबर से इसको पास करिए, डाउट अपने दिमाग में मत रखिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पीएचडी विश्वविद्यालयों में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार जो एकेडमिक एपीआई स्कोर बनता है, फिर इंटरव्यू बेस पर, केवल इंटरव्यू बेस पर ही चयन होता है, वहाँ पर पीएचडी की ज़रूरत है। लेकिन आप जानते हैं कि दो तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। एक तो मैंने अभी बताया कि विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन निकालेगा, रिक्रूटमेंट निकालेगा, फिर यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार एपीआई स्कोर बनेगा, एपीआई स्कोर के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और चयन केवल इंटरव्यू बेस पर ही होगा। और विश्वविद्यालय में कैसे चयन होता है आप सभी धीरे धीरे समझ रहे होंगे। जैसे पीएचडी में एडमिशन होता है, कुछ कुछ उसी तरीके से विश्वविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ होती हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, जिसके थ्रू मैं आपसे जुड़ा हूँ, जिसके लिए मैं प्रेरित करता रहता हूँ और पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ, वो ये है कि आप कमीशन का से एग्ज़ाम दीजिए। तमाम जो हिंदी पट्टी के लोक सेवा आयोग हैं, वो समय समय पर फॉर्म निकालते रहते हैं, उन फॉर्म को आप अप्लाई कीजिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए, अपने पढ़ाई पर पूरा विश्वास रखते हुए एग्ज़ाम दीजिए। निश्चित तौर पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, उसमें केवल नेट की ज़रूरत है, अभी पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी हिंदी पट्टी में करीब 10 राज्य हैं, तो कैसे पता चले कि कहाँ पर किस राज्य का फॉर्म आ रहा है? तो उसका सीधे सीधे एक मैं की पॉइंट बता रहा हूँ। चुनाव में आप काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, फलां राज्य में किसकी सरकार बन रही है, ढेका राज्य में किसकी सरकार बन रही है, ये सारी चीज़ें आप सभी के दिमाग में चलती ही रहती हैं हमेशा। लेकिन उसको आप अपने करियर से जोड़कर देखिए। आप देख लीजिए 5 साल पिछले, मतलब अगले 5 साल में कहाँ कहाँ पर चुनाव होने वाला है, जिस जिस स्टेट में हिंदी पट्टी में चुनाव होने वाला होगा, मैं लिख कर आपको दे रहा हूँ कि वहाँ पर 3 साल की सरकार कंप्लीट होने तक जल्दी जल्दी फॉर्म निकलेंगे। जैसे अभी यूपी में चुनाव हो रहा है, तो उसके कुछ पहले फॉर्म निकला था, एग्जाम इत्यादि हुआ है। उत्तराखंड में चुनाव आया था तो फॉर्म निकला हुआ है, झारखंड में आया था तो निकला था, फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव आएगा तो फॉर्म निकलेगा, अभी वहाँ पर भी एग्जाम हुआ था। इसी तरीके से राजस्थान में निकलता है, हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग फॉर्म निकलता है, हरियाणा में भी जब चुनाव आएगा तो उसके कुछ समय पहले फॉर्म निकलेगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि किस स्टेट में कब चुनाव होने वाला है, उसी हिसाब से अलर्ट हो गए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप हिंदी से करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी तो करना ही है, लेकिन कुछ ऐसी मानक किताबें हैं जिनके बारे में मैं अपने चैनल पे बहुत पहले ही बता दिया है, और उन मानक किताबों को कैसे पढ़ें उसके बारे में भी आप लोगों को मैंने गाइडलाइन बताई हुई है, गाइडेंस किया है कि कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए, हो सकता है कि मुझे आप लोग समझने में थोड़ा सा लेट करें, कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि आपसे जुड़ने में मुझे लेट हो गया, पहले ही जुड़ जाना चाहिए। तो खुशी इस बात की कि आप जुड़े हैं, क्योंकि इतना भरमार है पढ़ाने वालों की कि उसमें अच्छे लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना? तो जब जुड़िए तभी से, जब कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी में लग जाइए और उन प्रामाणिक किताबों को पढ़िए। भूल जाइए कि ये प्रवक्ता के लिए है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसके लिए, आप अपनी हिंदी मजबूत करने के लिए उसको पढ़िए, अपने फैक्ट्स को मजबूत करने के लिए उन प्रामाणिक किताबों को पढ़िए। प्रामाणिक किताबें जब मैं कह रहा हूँ, तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, सामान्य हिंदी, व्याकरण, इन सारे पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इस पर मैंने बहुत पहले वीडियो डाल दिया है, और जो भी मुझे लगेगा कि दोबारा रिवाइज करके डालने की ज़रूरत है, तो उस पर कोशिश मैं करूँगा। फिर भी मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि चुनावों के हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से देख लीजिए कि किस स्टेट में संभावना है वैकेंसी आने की। एक क्लू मैंने दिया, इसी हिसाब से आप तैयारी करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? अगला जो पॉइंट था कि चैनल का उद्देश्य क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। जैसे कई बच्चे थंबनेल के हिसाब से देखते हैं, जैसे मैंने कोई लेक्चर डाला हिंदी साहित्य का और लिख दिया ऊपर कि डीएसएसबी के लिए है, तो उसको केवल डीएसएसबी के बच्चे ही देखते हैं,
और अन्य जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी प्रवक्ता की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये DSSB वालों के लिए। लेकिन आप देखेंगे मोटे तौर पर कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जितनी भी प्रवक्ता परीक्षा हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही है, सब में ये सवाल आता है, UGC नेट के पेपर में आता है। तो आज से मैं एक चीज़ आप लोगों से विनम्रतापूर्वक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कम से कम जिस लेक्चर को मैं अपलोड कर रहा हूँ, सारे लोग जितनी भी अलग अलग धाराओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अलग अलग स्टेट की PSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जब भी हिंदी साहित्य से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं, तो अपना कीमती समय निकाल कर, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि जब अपलोड करें तभी आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं और पर्याप्त समय है। जब आपको मौका मिले एक बार जरूर उस वीडियो को देखिए। मैं भले PDF से कभी कभी पढ़ाता हूँ या फिर क्वेश्चन पेपर हल कराता हूँ, तो चाहूँ तो उस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल, अन्य जगह डाल सकता हूँ, लेकिन जो लोग गंभीरता से जुड़े होंगे वो उन अनुभवों को भी सुनते हैं जिन बारीकियों को पेपर हल कराते समय या फिर लेक्चर देते समय मैं बताता हूँ, क्योंकि किताबी ज्ञान से ज़्यादा कई बार जो अनुभव का ज्ञान होता है वो इम्पोर्टेंट साबित हो जाता है। ठीक है, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से सतर्क रहने वाले पॉइंट्स हैं उनको कई बार मैं हाईलाइट करता हूँ कि जब परीक्षा में बैठें तो तमाम तैयारियों के बावजूद अगर छोटी सी गलती ये कर देंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आज का जो दौर है बहुत ही कॉम्पिटिशन का दौर है, एक एक नंबर के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको हजारों लड़कों से पीछे कर सकता है। पहले लोग कहा करते थे कि मेरा एक नंबर से नहीं हुआ है, तो मुझे लगता था कि ये झूठ बोल रहा हो, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के बाद या फिर अन्य लोगों के जो विश्वसनीय लोग थे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही है, एक नंबर से नहीं भी होता है। तो उन बारीकियों को मैं बताता हूँ जिससे कि आपका एक नंबर बढ़ जाए। तो ध्यान रखिए कि चैनल के उद्देश्य यही है कि प्रवक्ता से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी चैनल पर डाला जा रहा है उसको आप देखिए, हो सकता है कि कुछ नई चीज़ उसमें आपको मिल जाए, और यही इसकी क्या है, उपयोगिता है। तो आज के पूरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को 10,000 कंप्लीट होने पर आभार व्यक्त किया। कॉम्बिनेशन कैसे चुनें, खासतौर से अगर आप हिंदी साहित्य से आगे बढ़ना चाहते हैं और UP में ही नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए PhD को लेकर जो तमाम हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, टॉपिक्स का चयन कैसे करें, इंटरव्यू को कैसे फेस करें, उसकी क्या सच्चाई है और कैसे आप सतर्क रहें, उसके बारे में मैंने बताया। और PhD के संशय को लेकर कि हायर एजुकेशन में जब जाना है तो क्या PhD अनिवार्य है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब ज़्यादा क्लियर होगा। अभी लोगों के बहकाव में आकर अपनी जो मूल पढ़ाई है उसको आप मत प्रभावित होने दीजिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो जब समस्या आती है तो एक समाधान लेकर भी आती है। जैसे आप DU के बारे में जानते होंगे, पहले वहाँ 4 साल का BA हुआ करता था, फिर 3 साल का हो गया, उसके पहले 3 साल का हुआ करता था। तो चीज़ें क्या हैं, हमेशा बदलती रहती हैं, सरकार भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है कि ये चीज़। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि MPhil को अब डिसकंटिन्यू किया जाएगा, और यहीं पर आप देख रहे हैं कि BHU में MPhil PhD कई कोर्स में एक साथ फॉर्म निकला हुआ है। तो अब इसके लिए क्या कहा जाए, ठीक है। तो इसलिए निश्चिंत होके जिसमें अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट कीजिए। विश्वविद्यालय में अगर PhD अनिवार्य हो जाएगा तो दूसरा है, आप PSC के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, मेहनत के साथ बनिए। जब मेहनत के साथ आप बनेंगे तो उसका आनंद आपको अलग ढंग से दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को बताने के बाद आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा होगा और एक दोबारा आप जाकर एनर्जी के साथ अपने पढ़ाई में लग जाएंगे, और चैनल से तो आप लोग जुड़े ही हैं। और अगर एक एक लोग अपने विश्वसनीय दोस्त को इस चैनल के बारे में बताएंगे तो जल्दी ही हम 20 तक पहुंच जाएंगे। तो मैं तो यही आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे मेरा आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे ही आप जब परीक्षा में जाएं
तो आपका आंकड़ा भी बढ़ते रहे। ईश्वर करे कि हर बार से आप ज़्यादा नंबर पाएं, और उस ज़्यादा नंबर को पाने में मेरा जो सहयोग रहेगा उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि बहुत सारी बातें मैंने कर ली आपसे, और लगातार करते रहूँगा, जो भी अनुभव रहेगा उसको शेयर करते रहूँगा। अभी मैं रामचंद्र तिवारी की बुक पर बातचीत कर रहा हूँ। जल्दी ही अपने लाइफ में मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए, उस पर भी एक सीरीज सप्ताह में एक आध दिन लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।